नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कंप्यूटर टेक चैनल पर। जी हाँ, जितने भी परीक्षार्थी हैं जो मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने वाले हैं जो इस बार 2020 में, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए ये खास वीडियो है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। जी हाँ, परीक्षा में बैठने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये खबर को जान लीजिएगा। आपके खबर को जानना अति आवश्यक है, तो सभी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो परीक्षा में बैठने से पहले इस खबर को जान लीजिए और परीक्षा में बैठिएगा तभी। तो चलिए देखते हैं क्या खबर निकल कर आ रही है मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए, जो कि 11 फरवरी से परीक्षा सभी का स्टार्ट है, बहुत ही कम समय बच गया है। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, भगाते हैं जल्दी से। तो देखिए क्या खबर निकल कर आ रही है। देखिए 1410 केंद्र पर कल से परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। देखिए 1410 केंद्रों पर कल से परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। जी हाँ, कल से परीक्षा देंगे, मैट्रिक इंटर परीक्षा जो है कल से होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या खबर है। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। और रिजल्ट की जानकारी अगर पाना चाहते हैं सबसे पहले सबसे तेज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जेक बोर्ड से जुड़ी जानकारी इस चैनल पे सबसे पहले सबसे तेज दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा से संबंधित सामग्री सभी जिलों के को भेज दिया गया है। इस वर्ष मैट्रिक व इंटर के 6.21 लाख परीक्षार्थी के लिए राज्य भर में 1410 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक के 38,07,021 परीक्षार्थी के लिए 940 केंद्र और इंटर के लिए 23,04,363 परीक्षार्थी के लिए 470 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक व इंटर के प्रवेश पत्र में QR कोड जो रहता है, देखिए QR कोड दिए गया है। परीक्षार्थी को लेकर किसी प्रकार का शक होने पर परीक्षा केंद्र पर QR कोड के माध्यम से इसकी जांच की जा सकती है। परीक्षा को लेकर अगर आप दूसरे बच्चे को भेज देते हैं परीक्षा देने के लिए, अगर आपका एग्ज़ाम कोई और दे रहा है, तो इसमें आप बच कर रहे हैं। देखिए इसमें जांच किया जाएगा QR कोड के द्वारा, तो इससे सावधान रहें। लेकर देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। राज्य में सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं। सभी कैमरे को चालू कराया गया है। सभी कैमरे पर मरम्मत भी की गई है, जो कैमरा नहीं चालू हुआ था। तो देखिए मैट्रिक के परीक्षा में यथासंभव प्रखंड व इंटर के परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर बनाए गए हैं। परीक्षा पर नज़र रखने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। देखिए परीक्षा पर नियुक्ति किया गया है, परीक्षा देने जा रहे। देखिए दिव्यांगी परीक्षार्थियों को मिलेगा सह लेखक। मैट्रिक व इंटर के दिव्यांगी परीक्षार्थियों के लिए, देखिए जो विकलांग है उन लोगों के लिए देखिए लेखक दिया जाएगा। अगर बहुत बच्चे देख नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते, उन सभी के लिए लेखक दिया गया है उनका परीक्षा लिख देने के लिए। तो देखिए परीक्षार्थियों को परीक्षा नियमावली प्रावधान के अनुरूप सह लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। जेक ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी दे दी गई है। प्रश्न पढ़ने के लिए देखिए मिलेगा 15 मिनट। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मैट्रिक व इंटर परीक्षा में राज्य में सबसे अधिक परीक्षार्थी रांची में है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, आप उस 15 मिनट का सही उपयोग करें, सभी प्रश्नों को एक बार देख लें तभी आप परीक्षा दें। और आप परीक्षा आराम से दें। और आपका परीक्षा कैसा गया इस चैनल में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया था, गेस पेपर से प्रश्न भिड़ा या नहीं भिड़ा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।